जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी को लेकर सामने आ रही है, छोटे सिद्धू को लेकर सामने आ रही है, सिद्धू की माता चरण कौर जी को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त हवेली से ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देख सभी भावुक हो रहे हैं और आप भी देखेंगे तो कहेंगे वाह, इस पल का, इस वक्त का तो हम इंतजार कर रहे थे कई सालों से। 29 मई 2024 को सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के 2 साल बीत जाएंगे। जस्टिस पेंडिंग है, जस्टिस नहीं मिला है अभी, लेकिन इसी बीच ये खबर जरूर आई है दोस्तों कि सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, उसे लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हवेली से जो छोटे सिद्धू के पहली बार किलकारी जो गूंजी है और पहली बार छोटे सिद्धू ने जो है अपने मुंह से शब्द निकाला है, वो क्या शब्द निकाला है जिसे सुनने के लिए सिद्धू के फादर मदर दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सिद्धू के फैंस इंतजार कर रहे थे, आखिर क्या है वो पहला शब्द जिसे सुनकर सिद्धू के माता पिता भावुक हो गए और भावुक होकर एक बयान जारी कर डाला। सारी अपडेट, सारी जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। जल्दी से चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जो होगी टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सिद्धू के फैंस ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी लड़ रहे हैं नहीं। तो आपको बता दें, जब से कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा और भटिंडा से कांग्रेस उम्मीदवार महिंदर सिंह जो है उनकी हवेली पहुंचे हैं रातों रात, तब से जो है लगातार कानाफूसी चल रही है पंजाब के अंदर। सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी 110% जो है लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और वो भी कांग्रेस की तरफ से, और ये जो है पंजाब सरकार आम आदमी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी क्या मंशा है, क्या वो अपने बेटे के जस्टिस के लिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपको बता दें क्या बदला लेने के लिए लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, क्या है असली रीजन, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी से मिलने के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और भटिंडा से कांग्रेस उम्मीदवार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू उनकी हवेली रातों रात जो है पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो है इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग मौजूद रहे वहां पर, जिस दौरान राजा वडिंग का तलवंडी साबो से गांव मूसा पहुंचना भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। सही सुन रहे हैं आप, उसके बाद ही कानाफूसी शुरू हो गई और सिद्धू के फादर और मदर को लगातार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, खास तौर पे सिद्धू के हेटर की तरफ से। कुछ टाइम पहले जब सिद्धू की माता चरण कौर जी जब प्रेग्नेंट थी तब भी उन्हें हेटर्स की तरफ से लगातार कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और आज फिर से उन्हें करना पड़ रहा है जब कांग्रेस की तरफ से ये खबर सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में उतरेंगे सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी। तब से आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार ने प्रताप सिंह बाजवा से नाराजगी जताई कि उनके बेटे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्हें पार्टी जो है पार्टी ने उन्हें याद तक नहीं किया, ये सरासर अन्याय है। सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी ने आगे ये भी कहा कि न्याय की लड़ाई में किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया, 2 साल बीत गए हैं, 29 मई 2024 को 2 साल बीत जाएगा मेरे बेटे से, मेरे श्रवण पुत्र को गए हुए, लेकिन किसी भी नेता ने जो है उनका साथ नहीं दिया अब तक। उन्होंने आगे ये भी कहा साफ तौर पर नाम लेते हुए हत्यारों का कि लॉरेंस बिश्नोई और सरकार जो है आपस में मिली हुई है। ये बात सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी ने अपने लेटेस्ट स्पीच में कही है। बलकौर सिंह जी ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के सामने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की, साथ ही प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात के बाद सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने कहा कि उन्हें पार्टी से कोई भी शिकायत नहीं है और वह पार्टी उम्मीदवार का जो है समर्थन भी करेंगे, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि परिवार की नाराजगी कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि सरकार से है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में मतभेद होते हैं जो आज दूर हो गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी उनके लिए उनके बेटे के लिए न्याय की मांग करती रहेगी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी की आजाद उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर छिड़े घमासान का गत देर रात उस समय अंत हो गया दोस्तों, जब परिवार ने भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार
जीत महेंद्र सिंह सिद्धू के साथ चलने का फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया। तब इस बात पर जो है विराम लग गया। सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी ने यह बात पहले भी साफ किया था कि अगर मेरे बेटे को जस्टिस मिलता है, अगर मेरे बेटे को इंसाफ मिलता है, तो मैं जरूर लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो भी करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी ने इस बात पे विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पे जो है इस बात को नकारा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब लड़ेंगे तो खुलेआम वो स्पीच के दौरान जरूर कहेंगे, लेकिन पार्टी को जो है सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को। और साथ ही इसके जो है हवेली से एक वीडियो, स्पीच के बाद जो है एक वीडियो सामने आई है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी जो इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि कहना ही नहीं क्या। सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के बाद जो है सिद्धू के फादर तब खुश हुए थे जब नन्हा प्यारा शुभदीप जो है छोटा सिद्धू जो है हवेली में आया था, उसने किलकारी जो है अपने पिता के गोद में ली थी, पहली बार रोना पहली बार हंसना जो है अपने पिता के गोद में जो है किया था। तब सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी के चेहरे पे जो खुशी तो आप देख सकते हैं, और एक आज जो खुशी है अपने छोटे सिद्धू को देखते हुए निहारते हुए उसके मुंह से निकले हुए शब्द को सुनने के लिए वो आप देख सकते हैं बेताबी, वो देख सकते हैं आप खुशी एक पिता के चेहरे पर। जिसके बाद सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी भावुक भी हुए। आपको बता रहे हैं सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी जो है काफी टाइम से पापा शब्द सुनने के लिए तरस गए थे, बापूजी शब्द सुनने के लिए तरस गए थे, क्योंकि शब्द जो थे सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी को सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला जी ही पुकारा करते। अब पहली बार सिद्धू मूसेवाला जी का छोटा भाई छोटे सिद्धू ने, छोटे शुभदीप ने जो है पहली बार पापा कहने की कोशिश की है। उसके मुंह से पापा कहते हुए जो शब्द सिद्धू के फादर और मदर ने सुना वो अपने आप में भावुक कर देने वाला पल था। तो सुबह से ही ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी ने भी एक भावुक भरा पोस्ट जो है अपने श्रवण पुत्र 29 मई 2024 बीतने से पहले पहले जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी ने अपने श्रवण पुत्र के लिए, सिद्धू जी के लिए जो है एक पोस्ट साझा किया, जो भावुक पोस्ट है काफी ज्यादा अपने आप में, जिसमें बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बातें सिद्धू की माता चरण कौर जी ने जो है आपको बता दे शेयर की है इस पोस्ट में, जो कि आप देख सकते हैं। कल भी मैंने आपसे ये पोस्ट साझा किया था, लेकिन आज सुबह से जो ये तस्वीर नन्हे सिद्धू के साथ सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी की वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, सिर्फ और सिर्फ सभी सिद्धू मूसेवाला जी को याद कर रहे हैं, छोटे सिद्धू के लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं। हर कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, गॉड ब्लेस यू जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। तो अभी तक आपने भी नहीं लिखा जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। और साथ ही सिद्धू मूसेवाला जी के पिता बलकौर सिंह जी अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसे लेकर अपनी राय जरूर लिखिएगा, आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला भी जरूर लिखिएगा, 29 मई 2024 आने वाला है, अब तक सिद्धू जी को जस्टिस जो है नहीं मिला है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, इसे लेकर भी आपकी जो भी राय हो जरूर लिख डालिएगा कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की दीवानी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।